Assalamu alaikum and welcome to Draping 2. Today's lecture is about draping daywear blazer. So first, let's have a look at the sketch. Now we can see the sketch has suspended panels and it is fitted, but we'll still add an ease of 1 on bust and 0.5 on waist. We have godets on the lower front and back. Now when we have a look at the neckline, it has a notch collar and it has basic sleeve. It is also known as satin sleeve. What is satin sleeve? Satin sleeve is a sleeve jiske yahan pe hamare paas ek seam hoti hai armhole ki. It has a round armhole, theek hai, jis pe sleeve hamara attach hota hai. Is wajah se ise kehte hain satin sleeve. Okay, now first of all we'll start by marking the ribbons aur uske baad hum apni panels ko extract karenge. बट उससे पहले नाउ वी नो वी आर ड्रेपिंग अ जैकेट, ठीक है, वी आर ड्रेपिंग अ ब्लेज़र एंड वी नो कि हम कुत्तियों गारमेंट्स बनाते हैं. तो हमारा जो ब्लेज़र होगा, वील हैव टू एडजस्ट अ शोल्डर पैड बिफोर वी स्टार्ट ड्रेपिंग. सो वील हैव टू एडजस्ट अ शोल्डर पैड बिफोर वी स्टार्ट ड्रेपिंग. तो सबसे पहले हम शोल्डर पैड की सारी सेटिंग वगैरह बता देते हैं. So this is a basic shoulder pad, a regular basic shoulder pad. और अगर आप देखो तो it is too broad and too wide to be adjusted on the mannequin. क्योंकि इसकी हमारा जो shoulder होता है that is of 13. तो इसकी तो बहुत ज़्यादा height है, इसकी length भी बहुत ज़्यादा है, width भी बहुत ज़्यादा है. तो हम क्या करेंगे, just simply turn it over. ये side front है, ठीक है, ये upper layer है, ये under layer है, ठीक है, ये wrong side है. तो इसको नहीं हमने ऊपर रखना. सबसे पहले इसको हाफ पे फोल्ड करें इस तरह से एंड जस्ट मार्क द मिडल ऑफ योर शोल्डर पैड. लाइक दिस. सो दिस इज़ द सेंटर ऑफ शोल्डर पैड. अब ये मैं रॉन्ग साइड पे काम कर रही हूँ, मुझे इसको थोड़ा सा रिड्यूस करना है. अब मैं इसके ऊपर रखते हुए मिडल लाइन पे इस तरह से मैं एक स्ट्रेट लाइन लगा दूंगी और मैं उसकी हाइट रखूंगी 13. ठीक हो गया. फिर उसके दोनों साइड्स पे आई विल गो 11.5 ऑन ईच साइड एंड आई विल मार्क अ लाइन. नाउ जस्ट मेक अ स्मूथ कर्व. शोल्डर पैड और आप इसको फ्लिप कर लें कटिंग को. ओके, नाउ इफ वी सी हमारे शोल्डर पैड की वेट बहुत ज्यादा है, हमने इसको भी काम करना है. इसको सिंपली ओपन करें, यहाँ से कोई भी लेयर ओपन कर लें, ठीक है. मैंने 4 यहाँ पे रखी हैं लेयर्स और 4 to 5 इस साइड पे. मैं इसके अंदर से एक ये लेयर निकाल लूँगी, ठीक है. ये 2 लेयर्स मैंने निकाल दी हैं और अब मैं देखती हूँ इसकी थिकनेस कितनी है. नाउ इट लुक्स बेटर. अगर आप चाहो तो एक ये वाली भी निकाल दो, ठीक है. अब ये अप्रॉक्सीमेटली 1 centimeter इसकी विड्थ हो चुकी है, थिकनेस जो है. तो नाउ आई विल प्लेस इट ऑन द मैनिकन. आई विल मार्क द शोल्डर लाइन एंड द आर्म होल एंड देन द रिबन्स फॉर सस्पेंडेड पैनल और उसके बाद आई विल ड्रेप माय फ्रंट एंड बैक. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इफ़ यू हैवन्ट प्लेस्ड योर आर्म ऑन द मैनिकन, जस्ट गेट इट डन बिफोर गोइंग एनी फर्दर. मैंने यहाँ से अनपिन किया है इसको, डिज़ाइन लाइन को. आई हैव ऑल्सो अनपिन द रिबन जो मैंने अपने आर्म को लगाने के बाद मार्क किया था, क्योंकि दोबारा भी लगाना है तो अभी उतार लेते हैं.
ये कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है, ये वाला जो रिबन था। उसके बाद आई ऑल्सो हैव एन ऑप्शन कि मैं इसको भी अनपिन कर लेती हूँ थोड़ी देर के लिए, इंस्टेड ऑफ़ यू नो एडिंग स्मॉल स्मॉल पैचेस ऑफ रिबन, मैं इसी को ही ले जाऊँगी। Now just take your shoulder pad. We know this is the middle line. Place the middle line. Achha, ek aur cheez. We know ke we have a shoulder of 13 centimeters. To iska ye matlab nahi ke main isko bilkul yahan edge pe rakhungi. Jab aapne isko place karna hai, you will place it approximately 0.75 or 1 lower on the shoulder line. Theek hai? Hame yahan se thoda sa bahar chahiye shape ke liye. ये देखिए मुझे अभी यहाँ से बहुत थिक लग रहा है, तो मैं अपनी नीचे वाली लेयर में से ना इसको सैंडविच करूँगी, इसको सॉरी कट करूँगी। मैं इन दोनों लेयर्स को थोड़ा थोड़ा चॉप करने लगी हूँ। ये मैंने तकरीबन 1.5 तक चॉप किया, देख रहे हो, थ्रू आउट। अब इसके नीचे वाली एक और लेयर जो आ रही है ना, इसको भी मैं हल्का सा चॉप कर लूँगी। और ये मैंने सिर्फ यहाँ से किया क्योंकि ये वाली देख रहे हो थोड़ी नीचे ही है। ओके, तो इसको मैं दोबारा प्लेस करने लगी हूँ। ये देखिए आप थोड़ा स्मूथ हो गया। पेंस की डायरेक्शन देख लें आप, इस रुख की पेंस इंसर्ट करते हो। ये देखिए थोड़े बबल्स आ रहे हैं, इसे मैं फ्रंट की तरफ ले आऊँगी। ठीक हो गया, अब मैं सिंपली इसको वापस ले जाती हूँ और इसे वापस, और हाँ इसको आपने प्रेस नहीं करना, ठीक है। नाउ रीमार्क योर शोल्डर लाइन। And also remark your armhole. और इसके लिए डू मैया कि आपका शोल्डर 13 सेंटीमीटर्स का ही हो।
ओके, नाउ आवर फाइनल स्टेप इज टू मार्क द सस्पेंडेड पैनल्स. नाउ वी नो कि हमारा शोल्डर 13 का है, तो आई विल टेक द हाफ ऑफ इट विच इज 6.5. सो मैं ये 6.5 ऑन योर शोल्डर लाइन कम्स हेयर. And now I'll keep other markings just now. I'll keep the other markings as I used for the princess panel. और बस मैं इसको यहाँ से इसके ऊपर blend कर दूँगी. I'm starting with a fresh ribbon. If you want to, you know, continue the previous one, you can do that. ओके, इन द सेम वे यू विल मार्क द रिबन्स ऑफ बैक. आप इसी को कंटिन्यू करो यहाँ तक एंड जस्ट ब्लेंड इट टिल योर वेस्ट लाइन. नाउ हैव अ लुक एट द टेपिंग ऑफ बैक. मैंने इसको कंटिन्यू किया है, ये बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, ये ना ज़्यादा उस साइड पे जा रहा है टुवर्ड्स द आर्म होल और ना ज़्यादा सेंटर बैक की तरफ है. कंटिन्यूएशन हो गई है. अब इससे आपने कन्फ्यूज नहीं होना, ये मैंने फिनिश किया हुआ है. मैंने यहाँ पे भी फिनिश किया हुआ है, यहाँ पे भी फिनिश किया हुआ है. नाउ आई विल स्टार्ट विद द ड्रेपिंग ऑफ फ्रंट.